उसके रैंक अच्छे थे इसलिए उसका नाम पहले था और मेरा थर्ड नंबर पे नाम चला गया सीधा। और आज के गेम प्ले में तो मैंने पूरा मतलब आग ही लगा दिया। जैसे मेरे को ऑप्शन आया ऑक्टेन के लिए रिक्वेस्ट करने का, मेरा फेवरेट कैरेक्टर, उसको मैंने डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर दिया और जैसे आते कंफर्म कर दिया। सो गाइस ज्यादा ना टाइम वेस्ट करके गेम पे फोकस देते और गेम चालू कैसे करते हैं। सो गाइस जस्ट वेट एंड वॉच। सो गाइस यहाँ पे गेम चालू होने वाली है, इसलिए मेरा फेवरेट कैरेक्टर ऑक्टेन यानी द वैम्पायर अपने पुर्जे टाइट कर रहा है कि वो अच्छे से भाग पाए। सो गाइस जस्ट लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपने टीममेट से बात करा कि भाई आज तेरे को कौन से नए प्लेस पे जाने की इच्छा है, तो मेरा टीममेट हमेशा की तरह यही बोलता है कि स्कल आइलैंड पे ले जा भाई। तो गाइस आज के वीडियो में मैं उसको उतार रहा होता तो मैं उसको सेफली लैंडिंग करवाता हूँ और स्कल आइलैंड पे लेके जाता हूँ। गाइस स्कल आइलैंड पे ना मतलब मजे आ जाते हैं उतरने में, पर वहाँ पे कभी कभी इतने घर ढूंढने पड़ते हैं ना कि गन्स कभी कभी मिलती नहीं है। मेरी जो दो फेवरेट गन्स है वो स्कल आइलैंड में से कभी मेरे को मिली नहीं है। सो गाइस यहाँ पर मैं चेक कर रहा होता हूँ कि क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। सो गाइस यहाँ पर मेरे को अपनी जो दोनों गन्स की जिसमें जो एमो यूज़ होती है वो एमो मिल जाती है। बस वही एमो उठाने के बाद मैं भागता रहता हूँ यहाँ से वहाँ। और गाइस मैं वापस ही वो घर में चला जाता हूँ देखते देखते और मेरे को पता नहीं चलता। तो गाइस इसमें जो घर है ना वो थोड़े कन्फ्यूजिंग टाइप के, क्योंकि लगता है कि अपने घर में कभी गए नहीं, क्योंकि इसके डोर्स का जो एनिमेशन है वो नेक्स्ट लेवल पर, डोर्स भी क्या अच्छे खासे बनाए गए। तो गाइस यहाँ पे मेरे को अभी तक पता नहीं किसको SMG बोलते हैं किसको AR बोलते हैं। हाँ ये है कि मैं जो दो गन्स वापरता हूँ डिवोशन LMG एंड हैवको राइफल, वो दोनों गन्स में AR की एमो जाती है उतना पता। हाँ इतना पता चला कि ये जो येलो टाइप ब्राउनिश टाइप की जो एमो अभी मैं जो फेंकी वो SMG की एमो और दूसरी कुछ अलग अलग टाइप की एमो है, जैसे कि अपने में 0.45 PUBG BGMI में 0.45 और 9mm की एमो आती थी, वैसे कुछ इसमें भी सीन है। बट अभी जैसे जैसे गेम में पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे सब नॉलेज होता जाएगा। सो गाइस यहाँ पे सीन एक और होता है कि ये जो बड़े बड़े दरवाजे कभी खुलते नहीं, ऑटो पे करके रखा तो भी खुलते नहीं, बस एक दो बार क्लिक करना पड़ता है ओपन करने के लिए तब जाके खुलते। सो गाइस यहाँ पे ये शटल बटल भी आ गए खास, क्यों बंद करके रखे पता नहीं, इतने दरवाजे बड़े बड़े बना के रखे तो अभी शटल आते खोल के रखते। सो गाइस यहाँ पे देख रहे हो आप मैं दोबारा से वही घर में वापस आ गया होता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं डिसाइड कर लेता हूँ अभी मैं दूर चला जाऊँगा कहीं पे और दूर जाके लूट करूँगा, क्योंकि एक ही जगह पे मैंने बहुत ही घर घूम लिए होते हैं, बार बार घर एक ही घरों में बार बार मैं जाता रहता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। सो गाइस मैंने यहाँ पे मैप में भी देखा कि भाई अभी जोन में जाना है, मैंने मेरे टीममेट से भी बोला कि भाई अभी लूट हो गई हो तो चलो अपने व्हाइट वाले बुलबुले में जाके बैठे रहते हैं वहाँ पे किल शिल करते हैं। सो गाइस यहाँ पे ना मेरे को पहले से बहुत ही एक खराब आदत है, BGMI में भी और PUBG में भी ऐसी बहुत खराब आदत थी और इसमें भी है। सो गाइस यहाँ पे बंदा मिल गया और उसकी पेटी तो बनानी पड़ेगी, तो उसकी पेटी शेटी बनाने के बाद मैं वापस अपनी जो पुरानी आदत है उसको फॉलो करता हूँ और उसकी पेटी लूटूंगा। और गाइस मेरी ना आदत बहुत ख़राब है कि मैं लूटता बहुत हूँ, बहुत ही लूट करता हूँ, एनर्जी ड्रिंक्स भी बहुत ही BGMI में उठाता, तो इसमें भी मैं एनर्जी शील्ड्स बहुत उठाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सब एनर्जी शील्ड्स उठाने के बाद और इसकी पेटी वापस लूटने के बाद मैं यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा होता हूँ। और देख रहे हो आप स्क्रीन पे मेरा टीममेट को भी मैंने बोल दिया होता कि भाई अभी यहाँ से निकल के बहुत लूट शूट हो गए स्कल आइलैंड पे। और गाइस ये स्कल आइलैंड की एरिया जो है वो अपने BGMI में कराकिन नाम का जो मैप था उसके याद दिलाता है गाइस। हाँ तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ क्योंकि टीममेट मेरे को वापस बुला रहा होता कि भाई एक बार इधर आ, कुछ है चीज़ जो मेरे को पता नहीं चल रही, तो बस वही देखने में वापस आया होता हूँ। तो गाइस देखने जाने का तो रहेगी और मैं यहाँ पे अपनी लूट में लगा पड़ा होता हूँ। सो गाइस यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे कुछ
दूसरी गन टाइप की मेरे को मिल गई जिसमें ग्रीन कलर की एमओ लगती, तो मेरे को ना कोई एपेक्स लेजेंड्स में ना ग्रीन कलर की एमओ यूज करने का अच्छा लगता है। सो गाइस यहां पे मैंने सब लूट लाट कर ली होती है, तो अभी मैं छोटे छोटी जगह पे जाकर देखता हूँ कि भाई मेरी फेवरेट गन उधर ना पड़ी हो, तो ऐसे ही सीन होता है। सो छोटी से छोटी जगह पे जाके मैं देखता हूँ कि मेरी गन पड़ी है कि नहीं पड़ी, बस देख के आ जाता हूँ, या तो फिर ग्रीन एमओ पड़ी हो तो उठा लेता हूँ, बस उठा के चल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे टीममेट ने मेरे को बुलाया था, तो मेरा टीममेट को मैंने देख लिया कि भाई वो अभी बाहर भाग रहा है, तो गाइस उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो बंदे ने मेरे को यहाँ पे बुलाया होता है और बंदा अकेला अकेला ही जोन के अंदर वो व्हाइट कलर के बुलबुलों में जाके चला जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैं जा रहा हूँ डायनासोर के मुंह में से पूरा निकल गया बाहर, और यहाँ पे गाइस ये जो है जिपलिन, हाँ इसको कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, तो बस उसी को मैंने सोची इतना कौन भागेगा यार, वहीं पे मैं ऐसे भागता हूँ। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बंदा उधर आया था और मेरे को किल करने का ट्राई कर रहा था, तो मैं पहाड़ बाहर चढ़ के वापस उसको किल करने जाता हूँ। और देख रहे हो गाइस इतने दूर से भी क्या अच्छी गन चल रही है, ये ग्रीन कलर की एमओ वाली। हाँ गाइस इसका नाम मेरे को अभी भी पता नहीं, बस मिल गए थे चला रहे थे, तो गाइस ये मेरे को मारने का ट्राई कर रहा था, पर मैंने इसकी ही पेटी बना दी होती है। सो गाइस यहाँ पे उसकी पेटी, हाँ ये तो, और सामने वाला भी देखो कौन होता है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर ऑक्टेन ही होता है। और तो यहाँ पे सीन ऐसा हो गया, ऑक्टेन ने ही ऑक्टेन की जान ले ली। सो गाइस यहाँ पे मैं ये जो स्पेशल क्रेट्स है वो सब ओपन करने के बाद मैं भागता हूँ वापस, क्योंकि मैं अपने टीममेट से थोड़ा दूर हो जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक और छोटी सी जगह है जहाँ पे, हाँ गाइस इधर दो तीन घर दिया पर इधर अच्छी खासी लूट मिल जाती है, तो बस मैं अपने पूरे एनर्जी शील्ड चार्ज करके गन को रिलोड करके मैं अपने एनी बंदे के पास जाके खड़ा रहता हूँ कि भाई बोल क्या हुआ, क्या दिक्कत है तेरे को, और क्या ही सीन चल रहा है तेरे साथ अभी। तो गाइस यहाँ पे मैं चेक कर रहा होता हूँ कि मेरी गन इसमें पड़ी है कि नहीं पड़ी है। तो गाइस यहाँ पे सीन ये है कि मेरे को मेरी हार्डकोर राइफल है वो मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने बंदे के साथ जाता हूँ, और यहाँ पे देख रहे हो गाइस आज तो मतलब एमओ की बारिश ही हो गई है। देखो गाइस मैंने कितनी सारी एमओ उठा ली, और आगे जाके मैं और एमओ उठाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ में एक बार एक सीन हो गया था कि दोनों गन्स तो है मेरी फेवरेट, बट उसमें एमओ एक टाइम पे खत्म हो गई थी, तीन बंदे आगे आ गए थे, पूरी स्क्वाड आ गई थी और मैं उनको मार नहीं पाया था। तो उधर ऐसा सीन हो गया था कि मुझे एमओ ढूंढने जाना पड़ा, एमओ लाने के बाद मैं तीन बंदों को मारा था। सो गाइस ये सीन दोबारा ना हो इसलिए मैं अच्छी खासी एमओ उठा लेता हूँ। हाँ एनर्जी सील जब लिमिटेड उठाता था हूँ, बट लिमिटेड उठाता हूँ, और ज़्यादा उठाता हूँ तो चार्ज करके वेस्ट कर देता हूँ बस। सो गाइस यहाँ पे सीन ऐसा है कि हम दूसरे प्लेस पे आ गए, हाँ गाइस अभी भी मेरे को इसका नाम नहीं पता अभी भी, पर ये जगह अच्छी है, यहाँ पे भी अच्छी खासी लूट मिल जाती है। तो ये जो भी जगह है ना स्कल आइलैंड के आजू बाजू, वहाँ पे सब जगह पे अच्छी खासी लूट मिल जाती है। सो गाइस ये मैंने एक गेम प्ले में बताया था कि ये कैप्सूल का मेरे को क्या यूज है वो पता नहीं, तो ये आजू बाजू घर के जो भी कैप्सूल है ना उसको जाके टच करने पे वो पूरा मतलब रिलीज होता है। मतलब रिलीज होने पे क्या होता है, जैसे कि बीजीएमआई में और पबजी में अपने शॉपिंग कर पाते थे ना, तो यहाँ पे भी वो जब रिलीज होगा ना तभी वो शॉपिंग का चलता है, ऐसा कुछ यहाँ पे सीन है। यहाँ पे अपने को पैसे होने की जरूरत नहीं। हाँ गाइस ये जो आप कंप्यूटर शॉम्प्यूटर देख रहे हो ना, वो जब रिलीज होगा ना तभी हम अपने इसके ऊपर वर्क कर पाएंगे, और इसके ऊपर वर्क क्या करना है, ये ऐसा कुछ कोड वोड डालेगा तो यहाँ से डायरेक्ट हम अपने डायरेक्ट ही एमओज और डायरेक्ट ही ड्रिंक्स एनर्जी शील्ड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स उठा, जैसे जैसे कि वेस्ट हो गया, हेलमेट हो गया लेवल 4 का। सो गाइस ऐसा कुछ खुलता है और डायरेक्ट ही नीचे गिरता है। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे इसलिए मैं एमओ उठा रहा था, मेडिकेट उठा रहा था, तो एक्सटेंडेड मैग भी यहाँ को यहाँ एपेक्स लेजेंड्स में आपको देखने को मिलता है, तो बस वही उठाने के बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ब्लू ब्लू पूरा रिलोड होगा। मतलब यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग करता है, मतलब कुछ क्राफ्टिंग टाइप करता है, तो मैंने लेवल 2 का वेस्ट मंगाया होता है। क्राफ्टिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे लोडिंग होता है वैसे इसमें क्राफ्टिंग में लोडिंग होता है। और गाइस यहां पे पूरे दूसरी स्क्वाड आ गई होती है और मेरे टीममेट को मार रही होती है, तो ऐसे कैसे मारेगी, मैंने उसको लास्ट में हेडशॉट मार के खत्म किया होता है। तो गाइस यहां पे ये कैरेक्टर भी, ये जो कैरेक्टर है ना वो भी बहुत ही अच्छा है, बस जो सामने बंदा था ना उसको यूज करना नहीं आता, मैंने एक बार यूज किया था, सामने वाले को यूज करना नहीं आया था इसलिए वो मारा गया। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ था सीन कि मेरा जो भी मैंने क्राफ्टिंग किया था वहीं पे पड़ा होता है, बस उसको उठाने की देरी होती है, तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा होता कि दूसरे एनिमी तो नहीं,
हाँ होते दूसरी स्क्वाड भी आ जाती पर मेरे टीममेट उनको गिरा देता, उनकी पेटियां शेटियां बना देता। तो गाइस देख रहे हो ना आप ये पहाड़ पे उसने पेटी शेटी बनाई होती। तो गाइस मैं पूछता हूँ उसको कि अभी बंदे खत्म तो हो गए ना, तो बोलते हैं हाँ बंदे खत्म हो गए। तो बस मैंने क्राफ्ट किया था ना वही उठाने आ जाता हूँ इधर, और मैं मेरे टीममेट से बोलता हूँ कि भाई एक और चीज एक बार लास्ट बार मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने एनर्जी शील्ड्स मंगाए होते हैं। तो बस वही मंगाने के बाद मैंने बोला कि एनर्जी शील्ड मंगा लेता हूँ और उसके बाद अपने बुलबुले व्हाइट बुलबुले में जाके बैठे रहेंगे और दूसरे एनिमीज को मारते रहेंगे। सो गाइस यहाँ पे क्राफ्ट हो गया। तो गाइस देख पा रहे हो ना आप ये कैसे ऊपर लटका हुआ दिख रहा था, तो बस हैंगिंग हुआ हुआ दिख रहा था। बस उसी को उठाने के बाद यहाँ पे एक और एनिमी आ जाता है, तो बस उसी को हम टक्का के हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की होती है, उसने थोड़ा डैमेज दिया होता है और मैंने उसको नॉकआउट करके फिनिश किया होता है। सो गाइस हम दोनों टीममेट ऐसे हैं कि हम दोनों आगे पीछे चलते रहते हैं और एक दूसरे की बंद हेल्प करते रहते हैं। हाँ कभी कभी सीन ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी हम दोनों लड़ भी पड़ते हैं कि भाई तूने मेरा किल चुरा लिया, भाई तूने मेरा किल चुरा लिया। सो गाइस यहाँ पे जो बंदा भाग रहा है ना वो उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो बहुत ही स्पीड में भाग रहा है। देखा ना गाइस कैसे मैं उसके ऊपर एम रख रहा था तो अभी कैसे स्पीड में भाग रहा था। सो गाइस यहाँ पे सीन ऐसा होता है कि वो बंदा ना इतना चालाक इतना अच्छा खासा खेलना जानता होता है ना कि उसने यहाँ पे वहाँ पे फंस गया होता है तो उसने स्मोक कर दिया होता। तो गाइस देखो कहाँ कहाँ से मार रहा होता है, तो मैं छुप छुपा के उसको किल करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टीममेट ये जो जोरो नाम का बंदा है वो मेरे को हेल्प कर देता है। सो गाइस मेरा जो ऑक्टेन कैरेक्टर है वो पहाड़ बाहर चढ़ नहीं पाता क्योंकि उसके ओरिजिनल पैन नहीं है ना, वो सिर्फ भाग अच्छा लेता है चढ़ नहीं पाता है। तो बस वही सीन होता है। तो यहाँ पे मेरा टीममेट का जो कैरेक्टर है वो अच्छे खासे चल लेता है, तो वही मार देता है उसको। बस तो उसकी पीटी शीटी लूटने के बाद यहाँ पे मैं वापस देख रहे हो फंस जाता हूँ, तो अच्छा खासा मतलब अच्छी बात है कि निकल गया होता तुरंत ही। तो यहाँ पे गाइस देख मैंने चेक ही नहीं किया था कि मेरे एनर्जी सेल्स पूरे लो पड़े, मैं भूल जाता हूँ देखना ही भूल जाता हूँ। हाँ गाइस जब मेरे को एनिमी मिलते हैं तो मैं कुछ देखता नहीं हूँ, बस उनको किल करने भाग जाता हूँ। मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ भाई चल चल कुछ लूट लाट छोड़ दे और ये एनिमी को टक्का दे। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो ये बंदा इतना धीरे इसलिए बाहर होता है क्योंकि वो एनर्जी शील्ड चार्ज करता है। सो गाइस यहाँ पे मैंने एंड्रेन लगा लिया होता है, तो मेरे कैरेक्टर की स्पेशलिटी यही है कि ये जोन से भी स्पीड में भाग सकता है क्योंकि इसके पास एक टाइप का सीरिंज टाइप का होता है कि वो लगाने पे वो इतना ग्रीन कलर, जैसे कि आपने देखा कि ग्रीन कलर का सीरिंज लगा था, वो लगाने पे बहुत स्पीड में भागता है। सो गाइस यहाँ पे सीन ये है कि हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ पे बचे टीममेट है भी कि नहीं है। सो गाइस यहाँ पे एक और सीन हो जाता है कि हमारे साथ जो ग्लोबल प्लेयर आया होता है ना वो बस गेम छोड़ के चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। मतलब उसकी तो रैंकिंग भी अच्छी थी, फर्स्ट नंबर आया था उधर जो स्क्रीन पे एनिमेशन चल रहा था तब स्टार्टिंग में, तो अभी पता नहीं कहाँ भाग जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैं चेक कर रहा होता हूँ कि कहाँ अब लूट, तो गाइस मेरी कंप्लीट ही हो गई होती क्योंकि मेरे को लूटने की जरूरत नहीं होती। मैं बंदे ढूंढ रहा होता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे स्क्रीन पे फायर और फुटस्टेप का मार कर रहा, तो गाइस उसी को फॉलो करते हुए मैं भागता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सीन ये होता है कि मेरे टीममेट ने वो टीम को गिरा दिया होता और यहाँ पे एक और बार फुटस्टेप आ रहे होते तो मैं वापस चेक करने जाता हूँ। यहाँ पे पहले पहाड़ चढ़ने की कोशिश करता, फिर याद आता है कि भाई मेरा कैरेक्टर तो चढ़ ही नहीं पा रहा। तो गाइस मैं पूरा घूम के इधर ये सागर से पूरा चढ़ के ऊपर जाता हूँ कि भाई सीन क्या चल रहा है मेरे लिए कोई, मैं फिर मेरे टीममेट को पूछता हूँ मेरे लिए कोई एनिमी बचा भी है कि नहीं, तो मेरा टीममेट बोलता है कि नहीं भाई मैंने सबको गिरा दिया है। तो मैंने बोला भाई एक्सीलेंट वर्क और आगे जाते हैं। तो मैंने उसको पहले बोल दिया कि भाई अभी टीम मिले तो मेरे को बताइए अकेले अकेले किल की बात करने जाना क्योंकि भाई मेरे को भी किल चाहिए, अकेले अकेले मत करना। सो गाइस यहाँ पे मैं चेक करते करते भाग रहा होता हूँ और चेक कर रहा होता हूँ कि कहाँ टीममेट कहाँ है बंदा है। सो गाइस देखो कहाँ पे ये रोबोट शोबोट कहाँ पे होता है और उसकी पेटी शेटी बनाने के बाद यहाँ पे उसकी पेटी लूटने के बाद हम लोग एक और बार आगे जा रहे होते। गाइस ये गेम प्ले में मेरे साथ एक सीन हो जाता है कि पूरे झुंड में बंदे बहुत ही कम मिले होते हैं। गाइस यहाँ पे पूरे मतलब दो तीन बंदे दिख जाते तो मेरे टीममेट को बोलता हूँ कि भाई इधर आ जल्दी आ, पूरी स्क्वाड है यहाँ पे और मेरे पूरे एनर्जी शील्ड्स पूरे लो हो गए। तो मैंने उसको टीममेट को कॉल दिया और वो टीममेट भाग के आ जाता है और पीछे से मेरे को बैकअप देता है। तो गाइस यहाँ पे वो जो रोबोट भाग रहे हैं ना
उसी को मैं पकड़ता हूँ और उसको पेटी बनाता हूँ, तो सबकी पेटी एक साथ बन जाएगी। बस तो उसकी पेटी पहले लूटनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पे मैं मैड किड यूज करता हूँ, सीरीज यूज करता हूँ। हाँ गाइज, एपेक्स लेजेंड्स में सीरीज ऐसे ऐसे यूज करते, अपने में तो कैसे यूज करते थे BGMI में और पबजी में, के बैंडेज सुंडेज लगाते थे, पर यहाँ पे डायरेक्ट ही जैसा अपने फ्यूचर मूवीज में देखा होगा, फ्यूचर लेवल मूवीज में देखा होगा कैसे सीरीज मारते हैं, तो ये गेम में भी ऐसे ही सीरीज मारते। तो यहाँ पे गाइस मैं कुछ गन्स बंस चेंज करता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे मुझे ना मेरी दोनों फेवरेट गन्स मिली नहीं होती, मतलब एक ही गन मिली होती, वो है हेवको राइफल। पर मेरे को डिवोशन, मेरी जो नेक्स्ट लेवल गन है डिवोशन LMG, जैसे कि मैंने पूरे लास्ट वीडियो में बताया होता है कि लास्ट के लास्ट वीडियो में कि कैसे वो 35 से 45 तक इससे कितना स्पीड में गन चलती है, बस वही फॉलो करते करते। तो मेरे टीममेट को यहाँ पे एक बंदा मिलता है, तो बस मतलब पूरी स्कोर मिलती है, तो बस उसी को मारने में भागता हूँ। और मेरे टीममेट मेरे को कॉल देता है कि भाई यहाँ पे पूरे तीन तीन बंदे और मैं अकेला फंस गया, तो बस उसी को मारने के लिए मैं आता हूँ। और यहाँ पे मैं जो लोग पड़े होते हैं उनको किल करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे उनका एक बंदा अभी भी बचा हुआ होता है, तो गाइस उसी को किल करने में भाग रहा होता है यहाँ से। सो गाइस फाइनली मैंने मतलब टीममेट को मैंने थोड़ा हेल्प दिया होता है और जो नॉक पड़े होते हैं उनको किल करता हूँ और उस पीछे से थोड़ा बैकअप देता हूँ, तो यहाँ पे तीनों तीन बंदों को मेरा टीममेट ही मारता है। सो गाइस यहाँ पे सीन हो गया था एक के, देखो आप क्या होता है सीन। तो गाइस यहां पे मेरे को लगता था एक और टीम बाकी है, एक और एक बंदा भी बाकी है, तो बस उसी को ढूंढने में भाग रहा होता हूं। सो गाइस जो एक बंदा बचा था ना, वो मतलब जोन से मर जाता है, तो गाइस उसको हम लोग ढूंढ रहे थे, पता नहीं कैसे ही मर जाता है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, एक बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। सो आई होप इफ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज गिव मी बिग थम्स अप, ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो पीस आउट।